हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ डॉक्टर निधि उपाध्याय. आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं अबाउट द ब्रोंज एंड द ब्रोंज स्कल्पचर्स. ब्रोंज को हिंदी में कांसा कहा जाता है, जो कि एक अलॉय है, यानी कि एक मिश्रित धातु है जिसमें कि कॉपर और टिन को मिला के ये तैयार किया जाता है. इसमें लगभग 75 to 95% कॉपर रहता है और 5 to 25% तक टिन रहता है. इनको मिला के जब एक मेटल बनाया जाता है तो वो बन कहलाता है ब्रोंज. एक जो ब्रोंज है वो हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव से देखें तो काफ़ी पॉपुलर मटेरियल रहा था इंडस वैली टाइम से ही. ब्रोंज की हिस्ट्री की बात करें तो इट्स गो बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके सिलेबस में है और आपने पढ़ा होगा वहाँ के स्कल्पचर को, डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रोंज में बनी हुई है. और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज भी कहा जाता था. इसके अलावा दो और स्कल्पचर हैं, चैरियट और बुल, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हमें इसके बारे में पता है. उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ से भी हमें ब्रोंज स्कल्पचर मिले हैं जो कि 1500 BC को बिलोंग करते हैं. इसके अलावा जैन तीर्थंकर, बुद्ध, बोधिसत्व और हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारे स्कल्पचर कुषाण पीरियड, गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्त पीरियड में 2nd century से लेके 7th century में हमें ब्रोंज स्कल्पचर्स मिले हैं. आपके सिलेबस में ब्रोंज स्कल्पचर से रिलेटेड दो और ब्रोंज स्कल्पचर्स हैं जो कि साउथ इंडिया से रिलेट करते हैं, जो कि साउथ इंडिया के अंदर भी 7th century से लेके 12th century AD तक में बहुत से ब्रोंज स्कल्पचर रिमार्केबल वर्क किया गया है. उनमें से आपके सिलेबस में है नटराजा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इंडियन रिमार्केबल ब्रोंज स्कल्पचर के अंदर एक और स्कल्पचर का नाम जुड़ गया है, वो है अशोक पिलर. हाल ही में 11 जुलाई को इसका अनावरण किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा. हमारी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है इंडिया की दिल्ली के अंदर, उसकी रूफ के ऊपर ये अशोक पिलर बनाया गया है जो कि ब्रोंज स्कल्पचर है. इसको बनाने का श्रेय दिया जाता है सुनील देवड़े, जो कि महाराष्ट्र से हैं, और लक्ष्मण जी, जो कि जयपुर से हैं. ये टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इन्हें, सुनील देवड़े जी को ये बताया गया था कि आपको ऐसा स्कल्पचर बनाना है, और उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है. इसके अलावा जो सपोर्टिंग स्टील यूज़ किया गया है उसका जो वेट है वो है 6500 kg. इसको बनाने में ऑलमोस्ट 9 months से ज़्यादा टाइम लगा था, इवन 2 months इसको असेंबल करने में लगा था. आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.